हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम रहमान यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता होगा आज सुबह सात बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से। अगर आप इस जनता कर्फ्यू में भाग ले रहे हो, अगर आप घर में हो, तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक करके कॉमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखना, और ऐसे नई नई इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बाजू का घंटी दबा के रख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज यानी जनता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च रविवार को क्या कोई दवा हवा में मिलाया जाएगा या नहीं? आप सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा कि आज हवा में एक दवाई मिलाया जाएगा सरकार की ओर से। इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इस चैनल पे। मैंने बताया था कि आप लोगों को ऐसा भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि हवा में एक दवाई मिलाया जाएगा हेलीकॉप्टर से, लेकिन उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ज़रा सा झूठ है, ऐसा कोई भी बात सरकार की ओर से नहीं बताया गया है। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन, एक और वीडियो आप लोग देख रहे होंगे जहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है एक स्प्रे के माध्यम से स्प्रे जो है हवा में मिलाया रहा है, और बताया जा रहा है कि ऐसा स्प्रे दिया जाएगा कोरोना वायरस को रोकने के लिए, कोरोना वायरस को मारने के लिए। तो आप लोग ये भी जान लीजिए, ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हो या आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ये भी ज़रा सा झूठ है। आज यानी 22 मार्च रविवार को कोई भी दवा हवा में नहीं मिलाया जाएगा। ये सिर्फ एक जनता कर्फ्यू है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आप आज यानी 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने घरों में ही रहे, ताकि इससे कोरोना वायरस को रोकने के लिए कुछ मदद हो जाए। लेकिन ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आज कुछ दवा या वैक्सीन हवा में मिलाया जाएगा हेलीकॉप्टर से या कुछ अन्य तरीके से। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और ऐसे इन्फॉर्मेशन को अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है, तो ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।